सरकार की भी हद है। सरकार के जो सिपा सलार हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनकी सोच को सलाम है जिन्होंने मुख्यमंत्री को आइडिया दिया कि आप 2 महीने तक आप मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक सैलरी ना लें और 3रे महीने में जाकर आप 3 महीने की सैलरी ले लें। जो 2 महीने आपने नहीं ली वो 3रे महीने में जाकर ले लें। आपने पूरे अखबारों में छपवा दिया कि मुख्यमंत्री मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। लोगों को हम सबको यही लगा कि आप 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। हालांकि ये कोई बड़ा एहसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने माना कि नहीं एहसान है। लेकिन जब सारी पट्टें खुली पता लगा 2 महीने के बाद जब 3रा महीना आएगा तो 3 महीने की इकट्ठी सैलरी ली जाएगी। उससे जनता को क्या फायदा हुआ, उससे सरकार को क्या फायदा हुआ। ये तो वो बात हो गई कि बैंक ने 2 महीने आपकी ईएमआई नहीं ली और 3रे महीने में जाकर 3 ईएमआई आपसे इकट्ठी वसूल ली। उससे आपको क्या फायदा हुआ। सरकार पर आर्थिक संकट जारी है, पैसा है नहीं, लेकिन फजूल खर्चियां उतनी की उतनी हैं। विधायकों को 15,000 रुपया पर मंथ टेलीफोन भत्ता मिलता है, जबकि टेलीफोन का एक व्यक्ति का खर्च 300 रुपये महीने का है। 300 रुपये महीने का है। किसी भी कंपनी का आप रिचार्ज करवा लीजिए 3 महीने का, वो 900 रुपये पड़ता है, यानी 1 महीने का 300 रुपये। आप 14,700 रुपया किस मुंह से वसूल रहे हैं, यह आपको शर्म नहीं आती। पहले जमाने की बात अलग थी, जब दूसरे टेलीफोन हुआ करते थे तब इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो आपने उसमें संशोधन क्यों नहीं किया। आप बड़ी बेशर्मी के साथ पिछले कई सालों से 15,000 रुपया टेलीफोन भत्ते के रूप में हर महीने ले रहे हैं, करोड़ों रुपए के बिल्स जो हैं वो एचआरटीसी के पेंडिंग है। 8 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने एचआरटीसी का देना है, जो इन्होंने बसें हायर की थी उसका किराया 8 करोड़ रुपया है, ये नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी 4 करोड़ पेंडिंग है, 4 करोड़ रुपया नहीं दे रही। 12 करोड़ रुपया एचआरटीसी का दोनों पार्टियों के पास पड़ा है, ना ये पार्टी मुंह खोलती है ना वो पार्टी मुंह खोलती है। और पुलिस वालों के ऊपर आप सीलिंग लगा देते हैं कि उनकी वजह से एचआरटीसी घाटे में जा रही है। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी पर जाते हैं, कई बार किसी केस में गवाही देने जाते हैं, कहीं इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, वो जनता के काम के लिए जाते हैं, वो अपने काम के लिए नहीं जाते। वो अपनी बीवियों को धनिया लेने सरकारी गाड़ियों में नहीं भेजते, वो बस में बेचारे ट्रेवल करते हैं। और 90% पुलिस वालों के पास गाड़ियां हैं। नए यंग लड़के जितने भी हैं सबके पास मैंने स्कूटियां या बाइक्स या गाड़ियां देखी हैं। ये लोग एचआरटीसी की बसों में सफर नहीं करते, उसके बावजूद 200 रुपया पर मंथ इनसे वसूल किया जाता था एज ए अलाउंस। सरकार के खाते में इनके अकाउंट से 200 रुपया कटकर एचआरटीसी के खाते में जाता था, जो 8 से 10 करोड़ रुपया पर मंथ पर ईयर बनता था शायद। जबकि 90% पुलिस वाले इस फैसिलिटी को अवेल नहीं करते। कहीं दूर पार जाना हो, कहीं एविडेंस देने जाना हो, इन्वेस्टिगेशन करने जाना हो, तब पुलिस वाले बस का सहारा लेते हैं। तो उसमें क्या तकलीफ हो रही थी, वो 200 रुपये पर मंथ 18,000 पुलिस वाले 200 रुपये पर मंथ कटवाते हैं, वो कितनी बड़ी रकम होती है कि, और इतनी बड़ी एचआरटीसी से वो वसूली नहीं करते। लेकिन उनके बारे में झूठी अफवाह उड़ाई गई कि पुलिस वाले फ्री में ट्रेवल करते हैं। अब वो उनसे 200 की जगह
500 रुपया लिया जा रहा है कि सरकार को घाटा पड़ रहा है आपकी वजह से, और जो विधायक हैं ये 300 रुपए का फोन का बिल देते हैं और 15,000 रुपया सरकार से वसूलते हैं, ये चोरी नहीं डकैती नहीं तो और क्या है? क्या किसी विधायक ने कड़े होकर बोला कि मुझे नहीं चाहिए 15,000 रुपए? है किसी की हिम्मत? एचआरटीसी वालों से तो आपने पैसे वसूल लिए, आपने कई सरकारी स्कूलों को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वहां बच्चे कम थे, और कई कई जगह ऐसे स्कूल भी हैं जहां अब बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे, उन्हें दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर स्कूलों में जाना पड़ रहा है, और कई जगह ऐसी भी हैं जहां रास्ते में जंगल हैं। मेरे पास एक केस आया हुआ है कांटी मशवा से, वहां कोई स्कूल है, वहां स्कूल बंद कर दिया गया इसलिए कि बच्चे कम हैं, 6 बच्चे हैं उस स्कूल में, और उन बच्चों को अब वहां से 2 किलोमीटर दूर जंगल से होकर जाना पड़ेगा, और अगर कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। क्या सरकार उन बच्चों की जिम्मेवारी लेगी? क्या उनकी सिक्योरिटी को सरकार जो है मेंटेन करेगी? नहीं करेगी। अगर उन्हें कुछ हो जाता है सरकार 25,000 रुपया चुपचाप पकड़ाकर चलती बनेगी? ये कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों की जेब से पैसा नहीं जाता है, ये पैसा मेरे और आपकी जेब से जाता है एज ए टैक्स। छोटी छोटी चीजों का टैक्स देते हैं, आप गाड़ी का पेट्रोल ढलवाते हैं तो उसमें एक लीटर तेल पर कम से कम 20 रुपए केंद्र सरकार लेती है, 20 रुपए स्टेट गवर्नमेंट लेती है एक लीटर पेट्रोल पर, यह टैक्स है। और हमें यह बताया जाता है कि हम पर एहसान कर रहे हैं, हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है आप, और हम लोग आप पर एहसान कर रहे हैं जो हमारी वजह से आप लोग सैलरियां ले रहे हैं। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बार के विधायक 7-7 पेंशनें ले रहे हैं, ये कौन सा रूल है भाई? अगर एक एम्प्लॉय की द्वारा री एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जैसे मान लीजिए फौजी, अगर एक फौजी रिटायर होता है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में उसे दोबारा जॉब मिल जाती है तो उसकी जो पेंशन मिल रही होती है वो खत्म होती है। लेकिन एमएलए एक बार जीतने के बाद दोबारा जीत कर आता है तो उसे 2 पेंशनें हो जाती हैं, तीसरी बार आता है 3 हो जाती हैं, चौथी बार में 4, और 7 बार वाले विधायकों को 7-7 पेंशनें मिल रही हैं। बताइए ये कौन सा कानून है कि एक व्यक्ति को 7-7 पेंशनें दी जाएं? इन चीजों पर कोई बात नहीं होती, लेकिन स्कूल बंद करने के लिए सरकार 2 मिनट में तैयार हो जाती है। पुलिस वालों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए जो 200 रुपए से लेकर 500 कर दिया गया है तैयार हो जाती है, लेकिन अपने खर्चे नहीं काटेंगे। जबकि ये प्रूव्ड फैक्ट है कि मंत्रियों, विधायकों और इनकी ऑफिसरों की पत्नियां धनिया लेने भी गवर्नमेंट की बसों में जाती हैं, गवर्नमेंट की व्हीकल में जाती हैं, कारों में जाती हैं, इनके बच्चे स्कूलों में सरकारी गाड़ियों में जाते हैं, इनकी बीवियां नौकरी करने सरकारी गाड़ियों में जाती हैं, तब कोई खर्चा नहीं होता। आपका क्या कहना है इस बारे में?